तत्काल न्यूज लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। नमस्कार, मैं हूं तोरल और आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज लाइव। अभी हम हैं गिट्टी कदान चौक में, जहां पे अभी एक नया केस आया है जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसके तहत लोगों को घर बनाने देने के लिए सुख सुविधाएं जो है वो देने वाले थे, लेकिन उसमें कोई गैर फायदा भी उठाने वाले ऐसे लोग हमारे सामने आ रहे हैं। वैसे ही एक नाम के शख्स है सतीश बघेल नाम के, जिन्होंने घर देने के बहाने से लोगों से लाखों रुपए ऐंठ लिए हैं। तो आइए हम जानते हैं कि एग्जैक्ट ये मामला पूरा है क्या। मैं MDP पार्टी का नागपुर कार्यकारिणी अध्यक्ष। कुछ दिन पहले हमारे पास में कुछ लोग आए, जो सतीश बघेल नाम का एक बंदा है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पे यानी झूठ बोल के मकारी करके गरीबों से, किसी से 1 लाख रुपए लिया, किसी से 2 लाख रुपए लिया, किसी से 80,000 रुपए लिया, ऐसा लेके 5.5 करोड़ का घोटाला करके लूट के लेके भाग गया। और पूरे जो गरीब गुरबा जो लोग हैं बेचारे, वो परेशान पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा रहे हैं, कभी इधर जा रहे परेशान। तो MDP पार्टी ने इसका मुद्दा उठाई और गरीबों के साथ इनसे मिल के जो है इनका सपोर्ट कर रही है और इनके साथ में खड़ी है। पर अभी ये मसला ये है कि अभी तक के उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। अभी तक के 4 दिन हो रहे, 4 दिन में अभी तक के जो है FIR नहीं हुई। अब FIR क्यों नहीं हुई है, इसके लिए हम थाना यहाँ पर आए हैं, तो अपना गिट्टी खदान क्राइम ऑफिस, तो अभी इनसे बातचीत चालू है। अभी देखते हैं कि अभी मुलाकात होने की है इनसे, मुलाकात होने वाली है। अभी उनका कहना ऐसा है कि पहले आज नहीं तो कल हम FIR करेंगे, FIR करने के बाद उस पर हम कार्रवाई करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर वो सतीश बघेल जिसने डाके डाल के जो पैसे गरीबों को लेके भागा, अगर उसके ऊपर सख्त कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं हुई, तो MDP पार्टी जो है थाने का घेराव करेंगी और जो है चारों जो सारे लोगों को लेके जो है उनके साथ में मिल के चक्का जाम करेंगे, रोड जाम करेंगे, आंदोलन करेंगे, अगर उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो। जब ये लाखों के पैसे ऐंठ रहे थे तब वो किसी के ध्यान में नहीं आया क्या? आवाज़ वो तो झूठ बोल के लेके भागा ना, झूठ बोला। आप इनसे पूछिए, इनके पैसे बिचारे ये गरीब जो है, जब उसने बोला है कि आपको फ्लैट मिल रहा है, आपको फ्लैट बता रहा है ले जाके, तो इंसान को भरोसा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना, जब वो वहाँ घर से अपने घर से आके अपने को फ्लैट ले जा रहा बताने, और अपने को फ्लैट बता रहा है और फोन कर रहा है, फोन पे पैसे बुला रहा है, अपने को टाइम बता रहा है, चाबी लेने के लिए बुला रहा है, तो इंसान क्या करेगा? गरीब इंसान तो वही करेगा ना, हाँ कि अपने को मिल रहा है घर तो अपन ले जाके दे और अपन जाए। लेकिन उसमें भी कुछ सुख सुविधाएं मिलती है ना आवास योजना में, अगर वो आपसे, उसने इतना बड़ा नाम दिया है प्रधानमंत्री आवास योजना, और जब वहाँ वो गेट में एंट्री कर रहे हैं, ले जा रहे हैं, तो जब तो कोई बोल रहा है ना कि हाँ होगा, जब ही तो दे रहा है करके। ये कितने दिन पहले की बात है? ये 2 साल हो रहे हैं जब से वो, किसी से 2 साल हो रहा, किसी से 3 साल हो रहा, किसी से अभी 6 महीने हो रहा, किसी से 1 महीना हो रहा, किसी से 8 दिन हो रहा, इतना ना पैसा लेके जा रहा, तो उसने बोलना चाहिए ना। हमारे से 50 लिया, हमारी बहन से लिया 1 लाख रुपया, हमारे भांजी से लिया 1 लाख रुपया। कहाँ पे फ्लैट दिखाए थे उन्होंने? ये यशोधरा प्रधानमंत्री आवास योजना वाले, यशोधरा वाले सबको लेकर दिखाया, और उसी से हमने पैसे दिए उसको, इसी वजह से। आपने कितना दिया? 60,000 रुपए ले गया मेरे, 60,000 रुपए ले गया। आपने कुछ मतलब लिखित? अरे लिखित में कुछ भी नहीं दिया बेटा, ले जाके चौकीदार को बोले गेट खोल रहे, गेट खोला, अंदर ले गया, फ्लैट दिखाए, बोले बस ये बिना लिखित आपने? अरे बेटा क्या करे बेटा, उसने ऐसे गोली दिया कि बहुत बुद्ध बना दिया, ऐसी बात है। अपना चेक बुक और वो NIT के पेपर, स्टैम्प पेपर, उस पर लिखित दिया ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, कर्जा लेके ये मैं देने वाला हूँ, यानी मतलब फिर जो मांग रहे थे तो बड़े बूढ़े जो अनपढ़ गंवार थे उनको अंगूठा लोग था तो उनको बुद्धू बना दिया, और जो चतरे थे तो उनको स्टैम्प पेपर और चेक वेक से ये काम किया है उसने। जब हम 3 तारीख को वहाँ 30 तारीख को गए तो वहाँ पर सबको बुलाया, उस दिन चौकीदार भी चले गया और वो भी चले गया।
आपसे कितना लिए तो पैसे? मेरे से तो मतलब 1,00,000 रुपया लिया। तो आपको मतलब समझ में नहीं आया कि मतलब ऐसे से? वो ऐसी बात करता था बेटा कि पेट का पानी नहीं हलता था, बोलता था कि मैं माँ हूँ, बहन हूँ, मेरी माँ है, ऐसा मैंने बोले कि अगर दूसरे कंसर्ट में जाके अगर मैं किसी का पैसा नहीं खा रहा हूँ, मेरे को मैं आपको घर दे दूंगा, घर में बैठ के पैसे लिए है सबसे, सबके पास वीडियो है बना हुआ। अब क्या कर रहा है आपके पास कौन सा? हमको घर चाहिए, हम लोग गरीब हैं, हम बर्तन धोने वाले हैं, मांगने वाले, हमारा कोई सहारा नहीं है, हमारे को अन्याय नहीं मिलेगा, तो फिर हम वहाँ जाकर हमको जो करना है हम वो अपने हाथ से करेंगे, हमारे पे फिर कोई कार्रवाई नहीं करे जाएंगे। ऐसे कि हम गरीब लोग हैं, हम बर्तन मांगने वाले हैं, दिन भर मट्टी भट्टी का काम करते हैं अपन, आते आपसे कितने लिए? तो मेरा से 40,000। 40,000 मतलब हमको इंसाफ, हम ये पार्टी के साथ में जाएंगे और हम अपना इंसाफ मांगेंगे, अगर से एनडीए भी पार्टी के साथ में जाएंगे और अपना इंसाफ मांगेंगे, अगर से नहीं होगा हम उनके साथ जाके वहाँ पर ये हो जाएंगे, धरना देंगे। हमको सिर्फ इंसाफ चाहिए और हमको सिर्फ हमारा मकान चाहिए, हमको ये नहीं है। सोनाली, क्या हुआ आपके साथ, ये कैसे मतलब स्टार्ट कहाँ से हुआ? एक्चुअली वो ऐसा हुआ था कि उसने फॉर्म वगैरह भर के दिया था, मतलब मेरी फ्रेंड के जो मौसी है उनका फॉर्म वगैरह भरा हुआ था, लिस्ट में नाम आया था, तो उन्होंने बोला कि मतलब तेरा भी कर देंगे, हो जाएगा। तो मैंने कहा कितने तक हो जाएगा फिर भी? तो वो बोले 1,50,000 तक होगा, उसके बाद में तुमको इंस्टॉलमेंट भरना पड़ेगा मंथली। तो मैंने कहा ठीक है, मतलब होगा। उसने मुझे सब कुछ बताया कि अंत्योदय के फ्लैट है जो गरीब लोग रहते हैं उनके लिए है करके, तो ठीक है। तो फिर मेरे को बोलने लगा कि पहले स्टार्टिंग कितने भर सकते, तो मैंने बोली मैं देखती हूँ कितना हो सकता, तो 50 थे, तो फिर उसने 50 लिया मेरे से। और फिर एक उसमें मेरे पास में स्लिप है, उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना बाकायदा उसमें लिखा है, और अब सत्यमेव जयते का उसमें जो लोगो रहता है जो अपने इंडिया का, वो लोगो भी है, और मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से मुझे OTP भी आई है, मतलब पूरा ऑनलाइन, मतलब जो ऑनलाइन स्लिप के साथ में जो मुझे OTP वगैरह सब कुछ आई है। तो उसके थ्रू मेरे को ऐसा लगा कि नहीं, अब इतने सारे फॉर्म भरते तो OTP आती है, ऑनलाइन होता है तो ओरिजिनल काम होगा। तो फिर उसने वैसा करके 50 लिया 26 तारीख को, उसके बाद में फॉर्म वॉर्म भर के होने के बाद में फिर 30 तारीख को उसने मुझसे 40 लिया, ऐसा करके 90 लिया, और बोले कि 3:30 बजे तक चाबी मिल जाएगी। और फिर वो चाबी कुछ मिली नहीं, बाद में मेरे 40 देने के 1 घंटे बाद पता चला कि वो भग गया। तो कैसे तो पता चला वो भग? सब लोग वहाँ जमा हो गए, मतलब जो सोसाइटी थी वांजरा के, वांजरा ना, हाँ फ्लैट के तरफ वांजरा मोजा, वहाँ पे सब लोग आके जमा हो गए। तो फिर पता चला कि वो तो मुंबई भगने वाला है, तो सबके फिर सब लोग जमा हुए, फिर पता चला कि पैसे तो डूब गए करके, ऐसे करके। तो ऐसा है कि अभी तो या तो हमको रहने को जगह है नहीं, जिन्होंने आपको बताया था उनको भी नहीं मिला था? नहीं नहीं वो भी है, उनको भी नहीं मिला है, वो भी साथ में, किसी को भी नहीं मिला, किसी को 3.5 लाख है आपके? 3.5 लाख हाँ, मेरी दोनों बेटियां है, मेरी दोनों बहना है, पूरे पूरा पेमेंट लिया मैंने 29 तारीख को पेमेंट किया वही यशोधरा नगर में प्लाट में। तो हमको करने के पहले जांच पड़ताल करनी चाहिए थी ना, अभी ऐसा लगा कि बोलते हैं ना गुड़ के पीटे चीटी दौड़ती है, ये भी बोलो। तो हमको है ना, ना उसने कुछ लिख के दिया, पुलिस लोगों के बारे में तो ऐसा ऐसा वर्ड बोलता है कि जाओ कंप्लेंट करो, कुछ उखाड़ नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता। लगता है कि बहुत बड़ी टीम है उसकी, वो बोलता है कि पुलिस मेरा कुछ नहीं कर सकती है, पहली चीज। और दूसरी चीज बोलता है तुम लोगों को कंप्लेंट डालना है, कंप्लेंट डालो मैं अगले दिन एंटीसेप्टिक बेल लेके मैं छूट जाऊंगा। मेरा बड़े बड़े अधिकारियों के साथ, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना, नितिन राउत जी के साथ में मेरा उठना बैठना है बोलते हैं। और ये मेरी जिनके थ्रू मैंने भरा था इधर रानी, तो ऐसे गुंडे के नितिन राउत जी के साथ मिले हुए हैं। अब ये नहीं पता, अब कल इनको फोन करके बोलता है कि तुमने हमारे नाम की कंप्लेंट दी है ना पुलिस में, ऐसा किए वैसा किए ना, अब देखना बोले मैं क्या करता हूँ करके। कल मेरी मम्मी का 11:30 बजे रात को उसने फोन किया, तो मम्मी को लगा मेरी बहन की फोन है, तो वो नहा नैना बोल नहा नैना बोल, फिर मम्मी वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो मम्मी ने फोन काट दी। फिर दोबारा और कॉल किया और बोलता कि बोले कि इतने जल्दी आज भूल गए क्या? तो मैंने उसकी आवाज़ पहचान ली, तो मैंने मम्मी के हाथ से फ़ोन छीनी और मैं उसको बोलती हाँ भैया बोलो ना। तो कल हमको मम्मी को यानी मेरे को क्या बोलता, बोले तेरी मम्मी को तो फंसा दूंगा, बोले ऐसा करूंगा, जान से मार दूंगा, बोले ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, बोले तेरी मम्मी बोले मीडिया के सामने आई, बोले
तेरी मम्मी को बोल बोले मेरी कंप्लेंट वापस ले लेंगी, ना तो मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा और कल मैं तुम्हारे सामने आऊंगा बोले, तो कल वो सामने आने वाला तो कहाँ है, बिखरा तो नहीं बोल रहा ना, मेरी पूरी तैयारी हो गई तो कल का सामने आने वाला था। हाँ, वो 30 तारीख को यशोधरा नगर पुलिस स्टेशन गए थे, 30 तारीख को हम लोग 30 तारीख को 4 बजे गए थे, शाम को 4 बजे सब लोग मिलके, वो 4 बजे से अब तक कोई हमारी FIR दर्ज नहीं हुई है, हमारे पास में सिर्फ एक एप्लीकेशन है लेकिन हमारी कोई FIR दर्ज नहीं, न्यूज में आ गया, लोकमत पेपर में आ गया, दैनिक भास्कर में आ गया लेकिन हमारी FIR अभी तक कोई दर्ज नहीं हुई है। क्यों दर्ज नहीं कर रहे FIR? पता नहीं, वो बोल रहे बस वहाँ पे भी जा रहे हैं पुलिस स्टेशन में जा रहे हैं तो पुलिस वाले हमको बोल रहे हैं कि अब तो कुछ हो नहीं सकता, अब वो पैसे कुछ देंगे नहीं तो हम भर के देंगे क्या तुम्हारे पैसे, हम तो देंगे नहीं। गवाह है आपके पास कि इनसे पैसे लिए गए हैं तो भी मैडम वीडियो है, वीडियो है, पैसे लेते हुए सब कुछ है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे एक चचा है वो अभी घर चले गए, उनको आज सुबह रानी दुर्गावती चौक के पास में वो दिखा, मतलब वो हम यहाँ पे भूखे प्यासे बच्चे लेके हम लोग यहाँ बैठ रहे, दर दर ठोकरे खा रहे, हम लोग घूम रहे सुबह से, हमको रात हो जा रही है और वो बंदा हमारे पैसे लेके इतने आसानी से मस्त घूम रहा है वो, और नागपुर में ही घूम रहा दिखा है वो रानी दुर्गावती और आराम से घूम रहा है वो, लेकिन उसको किसी का कोई डर नहीं है, ना उसको कोई कुछ बोल रहा है, ना कोई कोई ऑप्शन उठा रहा है। FIR दर्ज नहीं हुई अब तक, वो तो इतना मतलब निकला है। तो अभी आपने देखा कि यहाँ पे इनसे लाखों से पैसे ऐटे गए है, जो कि मतलब पुलिस प्रशासन भी यहाँ पे कोई कार्रवाई करते हुए नजर नहीं आ रही है, यहाँ पे ये लोग ऐसे बैठे है, इतनी धूप कड़कती धूप में यहाँ पे लोग मतलब बैठे है अपने हक के लिए बैठे है, उनको अभी पैसा तो वापस नहीं चाहिए बोलते लेकिन उनको घर चाहिए। तो MDK पार्टी के जो अध्यक्ष है नासिरुद्दीन शेख, अगर ये कहते हैं कि अगर इनको नहीं मिला न्याय तो ये आंदोलन करेंगे और थाने का घेराव करेंगे। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए तत्काल न्यूज़ लाइव।